हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हाय, आई एम राजश्री। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बगल में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हैं तो थैंक यू सो मच। तो आज मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है वेजिटेरियंस के लिए। दो नॉनवेज रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देख लेना। मैं उसका सा डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी। एक मैंने मटन बनाना सिखाया था और दूसरा मैंने चिकन का रेसिपी दिया था, और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू दम। आलू दम कैसे बनता है मैं एक एक स्टेप आप लोग को बताऊँगी, और ऊपर से मैं आप लोग को पुलाव का भी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मतलब सबसे ईजी और जल्दी बनने वाला है। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हम यहाँ पर आलू ले लेंगे, छोटे छोटे साइज का आलू लेंगे। ये हम एक कुकर, छोटा कुकर से आलू ले लिए हैं। अब इसे मैं चढ़ा दूंगी। एक या दो सीटी तक हम लोग इसको पकने देंगे। यहाँ पर हम लेंगे 3 से 4 पोटी लहसुन। इसको मैं अच्छा से छील लूंगी और छील के इसको मिक्सी का जार पे डाल दूंगी। अब लहसुन में हम लोग मिलाएंगे मिर्च, लाल मिर्च, आप अपना हिसाब से तीतर ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं 10 to 11 मिर्च ली हूँ। अब उसमें मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर मिलाऊंगी। मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आप अपना तीता के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना मिर्ची चाहिए। फिर मैं यहाँ पर लूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं इसमें 2 चम्मच ले लूँगी। अब मैं इसको फटाफट पीस लूँगी। ये अब ये पिसा हुआ मिक्सचर हम एक टिफ़िन में निकाल लेंगे और उसको याद से ढक लेंगे। अब हम निकालेंगे इसमें गरम मसाला जिसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच में जीरा डालूँगी, 1 चम्मच गोल की गोल मिर्च के दाने। फिर मैं डालूंगी इसमें 1 जावित्री थोड़ा सा, ये लौंग में लूंगी 4 पीस। फिर मैं लूंगी कबाब चीनी 4 पीस, 4 दाना। फिर हम लेंगे बड़ी इलायची 4 पीस। फिर हम लेंगे छोटी इलायची, जैसा कि मैंने ये सौजीरा 2 चुटकी सिर्फ डालेंगे, सौजीरा है ये। फिर मैं डालूंगी छोटी इलायची 1 सिर्फ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं बड़ी इलायची का सेवन ज़्यादा करती हूँ, इसीलिए आप चाहे तो दोनों बड़ी इलायची और छोटी इलायची बराबर में ले सकते हैं। फिर तेज पत्ता, अदरक, और फिर हम डालेंगे दालचीनी 1 बड़ा टुकड़ा डाल देंगे।
छोटा था तो मैंने दो तीन टुकड़ा ले लिया। अब इसे भी हम झट से पीस देंगे। ये तो हमारा मसाला रेडी हो गया, इसे भी हम ढक देंगे, ढक के एक साइड में रख देंगे। अब हम आलू निकालेंगे, कुकर हो गया है, उसको पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं पानी मिला के, फिर इसको छीलेंगे। आलू को जब हम छीलेंगे, जब छील लेंगे तो उसमें हम छुरी, मतलब छुरी से चाहे टूथपिक से चाहे किसी चीज़ से भी उसमें हम छेद करेंगे बीच से। मुझे तो छुरी से इजी लगता है तो मैं छुरी से ही कर लेती हूँ। इसी तरह से हम लोग सारा आलू को छीलते जाएंगे और उसमें छेद करते जाएंगे, ताकि ये इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग जो भी नमक मसाला तेल जो भी दें ये आलू के अंदर में जाके घुस जाए, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से छेद करते हैं। ये सारा आलू छिला चुका है, अब हम चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे तेल। तेल थोड़ा सा आलू जितना ही दीजिएगा, क्योंकि आलू इसे अच्छी तरह से भुंजा जाता है। अगर आप ज़्यादा कम तेल देंगे तो आलू चूर होने का डर हो जाता है उसमें, इसीलिए हम लोग थोड़ा तेल देंगे ठीक से। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, चुटकी भर हींग। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना, जीरा हाफ स्पून में जीरा देंगे, मिर्च तीन चार, फिर तेज पत्ता। ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तेल, जब तो मैंने जो आलू छीला था वो हम आलू इसमें डाल देंगे। ये मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डाल के इसको अच्छा से चलाएंगे। अब हम आलू में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ हम आलू और मसाला के हिसाब से नमक देंगे, थोड़ा सा हल्दी देंगे इसमें, यहाँ पर मैंने तीन बड़े प्याज काट के रखे थे, वही मैं आलू थोड़ा सा लाल हो जाने के बाद में प्याज डाल दूँगी और थोड़ा सा भूंजूँगी इसको।
अब हम इसमें डालेंगे मसाला जो कि हमने पीसा था, एक लहसुन मिर्चा और एक गरम मसाला, दोनों कुछ सारा मसाला इसमें हम लोग डाल देंगे। डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाला डालने के बाद हम लोग इसको ढक देंगे और धीरे धीरे इसको भूनते रहेंगे। भूनने के बाद में जब थोड़ा ये भुंजा आ जाए तब हम इसमें घी डालेंगे, 2 चम्मच शुद्ध घी, अगर घर का है तो सबसे अच्छा, अगर नहीं है तो आपको कोई भी बाज़ार का घी आप लोग इसमें डाल सकते हैं। टेक्निक बताती हूँ जो कि मेरी बुआ सास ने भी मुझे बताया था जब मैं शादी करके आई थी। ये जो तेज़पत्ता है ये पूरा मसाला छोड़ देता है, इसका मतलब भुंजा गया तेज़पत्ता और मिर्ची देख, अगर वो एकदम मसाला थोड़ा सा भी उसमें लगा हुआ नहीं है इसका मतलब कि ये पूरा भुंजा चुका है। देखिए मिर्ची भी पूरा साफ है और तेज़पत्ता भी पूरा साफ है, इसका मतलब है कि आपका मसाला जो है वो पूरा भुन चुका है और ये अब रेडी है सर्व करने के लिए। रुकिए मैं क्लोजअप पिक दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये आलू दम तो हमारा रेडी हो चुका है। अब चलिए हम लोग अपना पुलाव का तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास चावल भिगो के इसको छन्ना पे छान के रख दिया था थोड़ा देर के लिए ताकि ये थोड़ा सा फूट जाए। अब हम लोग इसी का पुलाव बनाएंगे। ये मैंने लंबा लंबा चावल लिया है, आपको दिखाती हूँ कौन सा चावल लिया है। ये मैंने लिया है बिरयानी किंग चावल, लेकिन इसे हम लोग बनाएंगे पुलाव। ऐसे भी पुलाव चाहे बिरयानी जो भी रहता है आपको लंबा लंबा चावल से अच्छा बनता है। तो पहले मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, पानी सूख जाएगा तो फिर हम इसमें घी डालेंगे या रिफाइंड डालेंगे जो आपको सुविधा हो वो डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ घी डालूंगी, आप लोग चाहे तो दोनों कुछ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। लिए मैंने लौंग और बड़ी इलायची, इसको कूट के मैं डालूंगी, हाँ हींग डालूंगी। दो प्याज ले लिया है, 2 प्याज को लंबा लंबा काटा है, अब मैं इसी में इसको डाल दूंगी।
हल्का लाल होने तक हम लोग भून लेंगे। ये प्याज जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें हम पुलाव वाला चावल डालेंगे जो कि हमने भिगो के रखा था। ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, हल्का ही देंगे ताकि अच्छे से पुलाव भर हो जाए। और आप सब्जी के साथ लेंगे तो एकदम हल्का दीजिएगा। मैंने चावल 2 ग्लास लिया था ये ग्लास से, तो अब यही ग्लास से मैं 4 ग्लास पानी लेके कुकर में डाल दूंगी। जब तक चावल भुंजा रहा है तब तक मैं पानी गर्म करने चढ़ा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर चावल हो रहा है पुलाव, तो चावल भुंजा रहा है, यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया, इसको मैं ढक देती हूँ ताकि ये गर्म हो जाए। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक ये भुंजा रहा है यहाँ पर। ये देखिए चावल भुंजा ही चुका है, कलर देखिए कितना सुंदर कलर आया है, ये पानी भी हो चुका है ऑलमोस्ट, खोलेगा तो डाल देंगे, आलू भी हो चुका है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पनीर फ्राई करके रखा है, ये घर का फाड़ा हुआ पनीर है, बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए अगर आप लोग को ऐसा पनीर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी कि किस तरह से ये पनीर मैंने बनाया है घर में। और अब चलिए पानी खौल गया है तो इसमें हम लोग चावल डालते हैं, पुलाव का भी चावल एकदम मस्त बन जाते हैं। टाइम सेविंग इसी तरह, एक तरफ चावल चढ़ा दिए, पुलाव का चावल बन जा रहा है, एक तरफ पानी चढ़ा दिए। जैसा कि देख रहे कि पानी उबल चुका है, और इसमें रिक्वेस्ट में डाल देंगे। अब हम इसमें सीटी लगने नहीं देंगे, सौंसा करेगा बस बंद कर देंगे इसको। तो ये पुलाव हो चुका है, अब इसको मैं दिखाती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ, ये जो आलू का मम्मी भूंजा है इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा निकाल देंगे कोई चीज़ में। मेरे घर में सबको भुजिया खाने का बहुत पसंद पड़ता है, तो ये हमने भुजिया निकाल लिया। और फिर मैं इसमें पनीर डालूंगी, अगर आप लोग भी चाहें तो भुजिया इस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैं इसको मिला के इसे पानी डाल दूंगी। आलू दम और पनीर की सब्जी हो जाएगी साथ में। और ये जो आग में तो इसमें नमक नहीं है, तो इसमें हम लोग नमक डालेंगे।
जितना ग्रेवी है उस हिसाब से नमक डालेंगे हम लोग इसमें। और थोड़ा सा पुलाव में है ही नमक, वो चीज का ध्यान दीजिएगा। और इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। अब जैसे ये कुकर में इनकेस अब कभी कभी बाई मिस्टेक अगर सीटी लग जाता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि हल्का सा पानी में इसको दे के नल खोल देंगे, जब तक कि ये सारा स्टीम इसका निकल ना जाए। थोड़ा सा स्टीम निकाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्टीम बचा हुआ में इसको रहने देंगे, फिर आपका पुलाव एकदम अच्छा ही बनेगा। चलिए फिर पुलाव बनने का इंतज़ार करते हैं और तब तक सब समेट लेते हैं। A few moments later. देखिए एकदम दाना दाना अलग हो गया चावल का, कैसा लगा आप लोग को? चलिए बना तो लिए, अब जो खा रहे हैं उनसे रिव्यू लेते हैं कि कैसा बना है। तब बच्चा पार्टी जो जो खा रहा है बताइए कैसा बना है पुलाव और आलू दम? बहुत यम्मी। हाँ बताओ श्वेता तुम। बहुत ज्यादा यम्मी है। छोटू को कैसा लगा? हमको मस्त लगा आंटी आलू दम। क्या कुछ कम है? नहीं नमक मत सब ठीक है। पुलाव पुलाव नहीं अच्छा लगा? पुलाव भी अच्छा लगा, आलू दम भी अच्छा लगा। हाँ। पनीर और अच्छा इसमें सॉफ्ट है ना? हाँ पनीर सॉफ्ट है। और क्रिश तुमको? नो वर्ड्स। स्नेहा तुमको? मन तो कर रहा पूरा कढ़ाई खा ले। हाँ खा लो, सब तो तुम ही लोग के लिए बनाए हैं। अभी और लेना है, एक प्लेट खाने पर कढ़ाई खाएगी। तब बच्चा लोग ने तो रिव्यू दे दिया, अब आपकी बारी। तो फिर आप लोगों ने देखा पुलाव भी कितना इजीली बन गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। आलू दम भी बहुत आसानी से बन गया। और दो तरह का आपको बता दिए, एक ग्रेवी वाला भी, एक भुजिया भी। भुजिया हम लोग के घर में ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप लोग ये ट्राई करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। कोई भी यहाँ पर रस ग्रेवी वाला सब्जी जो होता है, आप लोग पहले भूंज के उसको निकाल सकते हैं और फिर बाद में ग्रेवी ऐड करके एक और ग्रेवी का सब्जी भी आप लोग बना सकते हैं। तब आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को पुलाव और आलू दम मेरा रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो मुझे टैग कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों ने ट्राई किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में और दूसरा रेसिपी के साथ में। अगर आप लोग को कुछ सीखना है तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं वही बना के चैनल पे डाल दूँगी। तो चलिए फिर, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल राजश्री 0624 एंड बाय बाय।